हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे आखिर पाकिस्तान क्यों गिड़गिड़ा है ग्रह लिस्ट से निकलने के लिए। क्यों पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमें इस लिस्ट से निकालो, नहीं तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी और हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। आखिर क्यों कह रहा है पाकिस्तान ऐसा? ग्रह लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ग्रे लिस्ट है क्या आखिर, और ये कौन जारी करता है, किसके पास पावर है ये ग्रे लिस्ट जारी करने का, आज अपन इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। ग्रे लिस्ट, वैसे लिस्ट दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ये दोनों विश्व की एक संस्था बनी हुई है, वो जारी करती है। आइए देखते हैं। FATF ये एक संस्था है जो ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करती है। इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये क्यों बनाई गई है ये भी अपन देखते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन हुआ उस वक्त इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसको जो स्टेब्लिश करने का था, जो सारे देश मिलकर इसको स्टेब्लिश किया, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया, इसको मेन उद्देश्य, इसका मेन एम क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और आतंकवाद वित्त पोषण। मतलब मेन दो उद्देश्य इसके थे, मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि एक्स्ट्रा कोई पैसे का इधर से उधर पैसा करना, हवाला का कारोबार करना, या आतंकवाद के लिए पैसा देना, किसी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए उनको फंडिंग करना, उसको रोकने के लिए ये इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। मेन मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है विश्व की, और बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ तक कि भारत सबसे ज़्यादा विश्व में इस आतंकवाद से परेशान है और बहुत ही मुश्किल से गिरा हुआ है इस पाकिस्तान के कारण। तो इसी इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसके लिए हुई कि आतंकवाद को रोकना, आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है उस फंडिंग को रोकना, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसे हवालों को कारोबार इधर उधर होता है, जो काले कारनामे होते हैं उसको रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका सचिवालय अभी पेरिस में है। वर्तमान में अभी भारत समेत इसके 37 सदस्य देश हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, भारत समेत 37 देश इसके सदस्य हैं, और भारत 2010 से इसका सदस्य है, भारत 2010 में इसका सदस्य बन चुका था। और FATF के दो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, ग्रे और ब्लैक। अब ग्रे और ब्लैक क्या होती है? ग्रे वो होती है जिसमें उस देश को डालने से उसके जो विदेशों से और जो फंडिंग आती है उससे उसको फंडिंग आनी रुक जाती है, जैसे विश्व बैंक हो गया, मुद्रा बैंक हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, वहाँ से जो दूसरे देश जो पैसे उधार लेते हैं या अपने देश में लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं, तो वहाँ पे उनको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो देश आतंकवाद के प्रति समर्थन करते हैं और आतंकवाद को फंडिंग करते हैं। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नुकसान, अब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा रुक गया है। सेकंड, सबसे बड़ा मुश्किल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उसकी छवि धूमिल हो जाती है। अभी सिर्फ 3 देश अभी वर्तमान में ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान, ईरान और उत्तरी कोरिया। मतलब ग्रे लिस्ट में आना है कि आप बिल्कुल बेकार देश हो गए हो। आप अगर किसी देश में अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, कोई टूरिस्ट बन के भी जा रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको इस नज़र से देखा जाएगा, और बहुत सारे देशों में तो आपको बैन कर रखा है ग्रे लिस्ट में आने के लिए। और अब रही बात ब्लैक लिस्ट में, मतलब ये होता है कि आपको अमेरिका और अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ गए ना, तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश तो आपको पासपोर्ट भी जारी नहीं करते, सबसे बड़ी बात यह है। तो पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि ग्रे लिस्ट में अगर मैं जल्दी से जल्दी नहीं निकला तो मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद में पूरा देश अलग थलग पड़ जाता है, उसका कोई मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ये देश मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये देश आतंकवाद पैदा करता है, ये देश आतंकवाद को पैसा देता है, ये सब ये करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा मिलना बंद हो जाता है, अभी पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। दूसरा, विश्व बैंक से बहुत सारे देश पैसे उधार लेते हैं और वापस समय से भी उनको वापस देते हैं, जो योजनाएं चलती, तो विश्व बैंक से भी अभी पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद हो गया। थर्ड, एशियाई विकास बैंक जो अपने एशियाई कंट्रीज के जो देश हैं उन्होंने भी एक बैंक बना रखा है, उससे भी पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद हो चुका है। यूरोपीय संघ से सहायता रुकना, यूरोपीय एक संघ बना हुआ है उससे भी पाकिस्तान को सहायता मिलनी रुक गई है।
तो अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ से पाकिस्तान को सहायता मिलनी हो गई है। हर तरफ से पाकिस्तान एक अकेला देश पड़ चुका है, इसीलिए वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं इस ग्रे लिस्ट से निकलूं। पाकिस्तान फरवरी 2018 से इस लिस्ट में है, ध्यान रखना 2018 से इस लिस्ट में बना हुआ है। और इसमें मैंने बताया आपको ईरान और उत्तरी कोरिया भी इसमें बने हुए हैं। फरवरी अभी लेटेस्ट और इनकी पाकिस्तान की वो हुई थी कि क्या इसको ग्रे लिस्ट में रखना या नहीं रखना, लेकिन अभी तक भी उसने वो जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं किया, इसलिए जो FATF है उसने फरवरी 2021 तक इस लिस्ट में बना रहेगा। उसने कहा था कि 2021 तक फरवरी के तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। FATF ने 27 कारण गिनाए थे। जब 2018 में इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था तब FATF ने 27 कारण गिनाए थे कि आपको इन 27 कारण की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने 21 कारण तो वो दूर कर लिए थे, वो जो कमियां थी उन कमियों को दूर कर लिए थे, फिर भी 6 कारण ऐसे थे जिससे पाकिस्तान उनको दूर नहीं पाया, नहीं कर पाया, इस कारण से वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। उसमें दो मुख्य कारण तो अपने भारत के हैं। कौन से हैं मैं बताता हूं, आते देखिए। भारत के टॉप मुख्य आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और सेकंड जमात उद दवा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करना। मतलब अभी तक पाकिस्तान ने मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक उसको फंडिंग कर ही रहा है, और सेकंड हाफिज सईद जो जमात उद दावा का प्रमुख आतंकवादी है उसके भी संगठन को फंडिंग बराबर हो रही है। तो जो FATF है वो कह रहा है कि अभी तक आपने फंडिंग रोकी नहीं है, तो इसको फंडिंग को रोकिए और इन जो जो मुख्य आतंकवादी है उनको आप सजा दिलाने का प्रयास करें, उनको आप जेल में डालें। तो इस कारण से पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।